आज एक प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ मैं। माइक ऑन है वहाँ से। बेसिकली माइक ऑन। दिल्ली के कुछ स्कूलों के बारे में लगातार खबर मिलती रही है, पेरेंट्स आके शिकायत करते रहे कि वो फीस बढ़ा रहे हैं, सरकार के आदेश के बावजूद, कोर्ट्स के आदेश के बावजूद, कोर्ट के स्टेज के बावजूद फीस बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा ही स्कूल है APEEJAY स्कूल शेख सराय में, इसने भी अपनी फीस, डेवलपमेंटल चार्जेस, एनुअल चार्जेस, ये सब 10-25% बढ़ा दिए। सरकार से भी परमिशन नहीं ली, सरकार को इंटीमेशन भी नहीं दी, जो कि कानून में ज़रूरी है। तो पेरेंट्स इसके आए थे हमारे पास, पेरेंट्स की शिकायत आई थी, तो हमने इसका 7 साल का ऑडिट कराया था पूरा, पिछले 7 साल का। कुछ इनपुट्स पेरेंट्स ने दिए थे फीस वगैरह को लेके, बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फिर ऑडिट कराई, और परसों फिर सरकार ने उसको लेके एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है इस स्कूल को लेके। तो बेसिकली उसमें कई चीज़ें निकली हैं, उसमें निकल के आया कि 30 करोड़ 85 लाख का उसके पास सरप्लस था, और ये 30 करोड़ 85 लाख, करीब 31 करोड़ का सरप्लस होने के बावजूद 7th पे कमीशन नहीं दे रहा था टीचर्स को, और बच्चों की फीस हर साल बढ़ाता था, स्कूल के लोग हर साल फीस बढ़ाते थे। इस बार भी उन्होंने 10-25% फीस अलग अलग हेड्स में, जो ट्यूशन फीस और एडमिशन चार्जेस और डेवलपमेंट फीस वगैरह है, उसमें बढ़ा दिए थे। इससे दुखी होकर फिर पेरेंट्स आए, जब हमने ऑडिट कराया तो जैसे मैंने बताया 31 करोड़ के करीब का तो सरप्लस निकला, उसमें से भी 18-19 के सेशन में जितनी फीस इनको लेनी चाहिए थी, इलीगल तरीके से इन्होंने 2 करोड़ 9 लाख रुपए फीस एक्स्ट्रा ली हुई है बच्चों से, और जो कि उनके पास बची हुई है। तो हमने ऑर्डर किया है कल ही उनको कि ये 2 करोड़ 9 लाख रुपए की फीस बच्चों को लौटाएं, सारे पेरेंट्स को लौटाएं, और 30 दिन के अंदर अंदर लौटाएं, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। या तो लौटाएं या उनको इंटीमेट करें कि आगे की फीस में उसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से इलीगल फीस नहीं, और उनको कहा है कि आप इस तरह से इलीगल तरीके से जब तक आपके पास सरप्लस है फीस नहीं बढ़ा सकते, उनको हमने ऑर्डर किया है। 7 साल के ऑडिट में कई और भी खामियां आई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उसको सुन लें, मैं आपको पूरी डिटेल ऑर्डर दे दूंगा, उसमें हाईलाइट भी किए हुए हैं ऑर्डर में हमने कहां कहां मेन उसके क्रक्स पॉइंट्स हैं। लेकिन कुछ बेहद दिलचस्प चीज़ सामने आई हैं, और जो कई प्राइवेट स्कूलों के इस तरह के ट्रेंड निकल के सामने आ रहे हैं उसमें आ रही हैं। एक तो निकल के आया कि इस स्कूल ने पेरेंट्स से फीस लगातार बढ़ाता रहा, हमें और चाहिए, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें और चाहिए, और 2011 में 10 करोड़ की लागत से पंचशील एनक्लेव में एक कमर्शियल ज़मीन खरीदी, और वहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया 4 करोड़ रुपए खर्च करके, 3 करोड़ 48 लाख खर्च करके। 10 करोड़ 13 लाख में ज़मीन खरीदी, 3 करोड़ 48 लाख रुपए वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने पे खर्च किया, और इस 14 करोड़ को खर्च किया उसने दिल्ली के अपने बच्चों, पेरेंट्स ने जो फीस दी, बच्चों से ली गई फीस में से पैसा निकाल के ये 14 करोड़ रुपए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीदने में, पंचशील में, पंचशील एनक्लेव में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए ज़मीन खरीदी और फिर कॉम्प्लेक्स बनवाया, और उसका किराया, अब जो पेरेंट बॉडी है इनकी, स्कूल में नहीं आ रहा किराया, वो किराया जा रहा है इनके NGO, जो इनकी संस्था है ट्रस्ट, उसमें जा रहा है। इसके अलावा स्कूल फीस से इन्होंने 4.5 करोड़ खर्च करके और एक बिल्डिंग बनवाई, बोले हमारी मतलब उसमें इनकी प्ली ये थी कि हमारी बिल्डिंग पुरानी हो गई है और हम एक नई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। कानूनन कोई भी इस तरह की नई बिल्डिंग, मेंटेनेंस को छोड़ के कोई भी नई बिल्डिंग बनाने का काम सोसाइटी को अपने पैसे से करना होता है, फीस से नहीं कर सकते। इन्होंने उसमें आर्ग्यूमेंट लिया जी हमारी बिल्डिंग टूट गई है, हम मेंटेन करके नई बिल्डिंग बना रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने अपने स्कूल का एक्सपेंशन किया और एक इंटरनेशनल स्कूल नाम से एक नया स्कूल उसमें खोला। इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई है कि इंटरनेशनल स्कूल की, उनके कई स्टाफ मेंबर्स की, जो हाई लेवल के स्टाफ मेंबर्स की बहुत हाई एंड सैलरीज हैं, वो भी स्कूल, इसी स्कूल के
फीस से निकल रही हैं, इन्हीं स्कूल के बच्चों की फीस से निकल रही हैं, और इंटरनेशनल स्कूल में जो एडमिशन हो रहे हैं उससे जो फीस है वो किसी और अकाउंट में जा रही है। मतलब एक पैरेलल स्कूल चला रहे हैं उसी बिल्डिंग में, उस पैरेलल स्कूल से इंटरनेशनल स्कूल के नाम पे उससे जो हाई एंड फीस कलेक्ट हो रही है उसको किसी और अकाउंट में जमा करा रहे हैं, लेकिन इस पैरेलल स्कूल के प्रिंसिपल की, इसके और ऑफिशियल्स की, उसके कई टीचर्स की फीस इस स्कूल से ले रहे हैं और यहाँ से खर्चे दिखा दिखा के हर साल फीस बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल के आई। इन्फ्लेटेड बिल्स लगा रखे हैं, हाउसकीपिंग का बिल 5,62,00,000 रुपए का लगाया। 5,62,00,000 में जब पूछा कि भाई इतना सारा हाउसकीपिंग का आपका कैसे खर्च हो रहा है, आपके यहाँ 40-50 क्लासरूम हैं, तो जितने उन्होंने क्लेम किए हुए हैं 5,55,00,000 खर्च करने पे, स्टाफ क्लेम किया हुआ हाउसकीपिंग का, उसमें से आधे का डिटेल भी नहीं दिया उन्होंने, आधे का डिटेल भी नहीं दे पाए जब डिटेल मांगा गया। तो ये सारा दिख रहा है कि इन्फ्लेटेड बिल्स है। टीचर्स की ग्रेचुटी नहीं दे रहे हैं, स्टाफ का पीएफ नहीं दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि इनका देखिए 31 करोड़ तो अभी भी अकाउंट्स में सरप्लस है, 14 करोड़ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं, 5.5 करोड़ रुपए के इन्फ्लेटेड बिल्स लगा रहे हैं खर्च करने में 31 करोड़ के सरप्लस के बावजूद, उसके बाद भी 7th पे कमीशन नहीं दे रहे, टीचर्स की ग्रेचुटी पीएफ वगैरह नहीं दे रहे बहुत सारों की। इसके अलावा अवंती ट्यूशन कोचिंग क्लासेस चला रखी हैं अपने स्कूल में, जो कि इलीगल है। स्कूल की ज़मीन पर स्कूल, कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी तरीके से कोचिंग क्लासेस नहीं चला सकता है, लेकिन इन्होंने अवंती ट्यूशन काम क्लास के नाम से स्कूल में कोचिंग क्लास चला रहे हैं और उसका पैसा अलग अकाउंट में ले रहे हैं, वो भी फीस में नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे पास फीस के कलेक्शन में। ये सारे 31 करोड़ के अलावा हैं। इसके अलावा ये देखने में आया है कि एक साल के अंदर अंदर स्कूल ने 62,00,000 रुपए पब्लिसिटी पे खर्च किया। ट्यूशन फीस के हेड में जितना पैसा आ रहा है उसका 70% के करीब, एनुअल चार्जेस का 70% तो इन्होंने 62,00,000 रुपए के करीब खर्च किया विज्ञापनों के, गूगल पे ऐड दिए हैं खूब सारे। सुप्रीम कोर्ट की दुग्गल कमेटी कहती है, दुग्गल कमेटी की डायरेक्शन गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से कोई भी स्कूल जब फीस लेगा तो उसको 4 हेड्स में डिवाइड करके ले सकता है, 5वां कोई हेड नहीं ले सकता किसी भी बच्चे से। रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस, ये 3 हेड्स तो रेगुलर हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा सर्विस कोई स्कूल दे रहा है तो वो सिर्फ यूज़र स्टूडेंट से लेगा। रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस को ले के अलावा कोई भी फीस अगर स्कूल ले रहा है, कोई भी सर्विस चार्जेस ले रहा है, तो जो सर्विस का यूज़र है उससे लेगा। लेकिन इन्होंने हर बच्चे से चार्ज किया है, हमने रिकॉर्ड देखा है, स्विमिंग के लिए, टेनिस के लिए, स्केटिंग के लिए, इंटरनेशनल कैरिकुलम के नाम पे, हर बच्चा स्विमिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है इरेस्पेक्टिव, बच्चा स्केटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चा टेनिस खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, लेकिन हर बच्चे से इस नाम पे चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो कि ये भी इलीगल है। इसके अलावा ओरिएंटेशन क्लास करते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, नर्सरी केजी में एडमिशन होता है, नए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की ओरिएंटेशन क्लास करते हैं, उसके ओरिएंटेशन क्लास के लिए 50,000 रुपए लिए जाते हैं, 1 घंटे का कोई लेक्चर कराते हैं वो, 1.5 घंटे का, उसके नाम पर 50,000 रुपए पर पेरेंट लिए जाते हैं, और उसको भी स्कूल हेड में नहीं दिखाया जा रहा फीस प्रॉफिट में, स्कूल के आने वाले कलेक्शंस में, वो पैसा भी सारा का सारा 50,000 रुपए पर पेरेंट हर साल हर नए पेरेंट से लेते हैं ओरिएंटेशन क्लास में 1 घंटे के लेक्चर के लिए, ये भी किसी और के नाम के अकाउंट्स में जमा करा रहे हैं, हर साल किसी और अकाउंट में जमा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ निकल के आई कि 3.25 करोड़ रुपए स्कूल के, इस 31 करोड़ के अलावा 3.25, ये इसमें शामिल है 3.25 करोड़ रुपए बच्चों का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेता है तो कॉशन मनी जमा कराता है ये लोग, ये पैसा 12वीं पास करने के बाद जब बच्चा स्कूल छोड़ता है उसको वापस मिलना चाहिए, आज तक इन्होंने किसी भी बच्चे का कॉशन मनी वापस नहीं किया, 3.25 करोड़ रुपए उसमें इन्होंने रखा हुआ है जो इनके पास में कॉशन मनी का इकट्ठा होकर रखा हुआ है, तो हमने इनको ऑर्डर किया है कि ये भी वापस करें। तो मैं इसलिए रख रहा हूँ आपके सामने क्योंकि पेरेंट्स लगातार परेशान हैं, फीस हम दें ना दें क्या करें, जिन स्कूलों की
फीस बढ़ाने की परमिशन हमने नहीं दी है, उनकी तो फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी शिकायत कर रहा है तो आप हमें बताइए। जिनको परमिशन मांगना लाजमी था, जिन स्कूलों को परमिशन मांगना लाजमी नहीं था, वो भी पेरेंट्स अगर उनको लगता है कि उनके बच्चों के स्कूलों ने फीस इलेजिटिमेट तरीके से बढ़ाई है और हमें इंटीमेट नहीं किया है, आप उसकी शिकायत करें तो हम इसकी पूरी जांच कराएंगे, और फीस अगर अभी देनी भी पड़ रही है तो हम इसको आगे रिफंड कराएंगे, एडजस्ट कराएंगे, क्योंकि तरह तरह के फ्रॉड निकल के आ रहे हैं। एक मैं रेफरेंस के लिए दे देता हूँ, एक और स्कूल है, सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल है, उसकी भी इसी तरह से पेरेंट्स की शिकायत पर जाँच हो रही है, वहाँ भी चीज़ निकल के आई है, उसमें भी हम अभी आगे एक्शन ले रहे हैं, उस पर कभी और डिटेल में बताऊंगा, अभी ऑर्डर बनाएंगे, लेकिन प्राइम एफेसी जो चीज़ निकल के आई है ब्लैक एंड वाइट में, कि स्कूल ने सारे चीज़ों के लिए अपनी सिस्टर कंसर्न्स बना रखी हैं और बहुत सारी सर्विसेज के लिए अपनी प्रिंसिपल्स को ही अपनी सिस्टर कंसर्न में डायरेक्टर बना रखा है। तो इंटरेस्टिंग ये निकल के आया है कि मान लीजिए सैनिटेशन है, तो सैनिटेशन का खर्चा स्कूल प्रिंसिपल साइन करती है स्कूल के हेड पर, और वो कंपनी की डायरेक्टर भी है जो कंपनी है। तो बहुत सारी पैरेलल कंपनीज बना के स्कूल ने इन्फ्लेटेड बिल्स लगा रखे हैं और उस पर प्रिंसिपल के साइन है एज डायरेक्टर, खर्चा इधर प्रिंसिपल खर्च कर रही है, उधर प्रिंसिपल उन्हीं सर्विसेज में को वो कर रहे हैं। तो इस तरह के फ्रॉड निकल के आ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के साथ खड़ी है दिल्ली सरकार, किसी भी तरह की अगर इस तरह की हैरेसमेंट अगर कोई स्कूल कर रहा है, हम साथ में खड़े हैं। पिछले 4 साल में हमने प्राइवेट स्कूलों के जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं थी उस सब को यूज़ करते हुए और उसके बावजूद भी फीस नहीं बढ़ने दी है, हाथ हमारे बंधे हुए थे बहुत जगह से, बहुत जगह रोड़े अटकाए गए, लेकिन 4 साल में हमने फीस नहीं बढ़ने दी है। तो मैं अब यही अपील करूँगा सारे प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स से कि आप हमारे हाथ मजबूत करिए, अगर केंद्र सरकार में हाथ मजबूत और होंगे तो ये जो लड़ाई प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के साथ मिलकर लड़ी है इसको और मजबूती से हम लड़ सकेंगे। धन्यवाद।